लेकिन डिप्रेशन की उदासी नॉर्मल उदासी से डिफरेंट होती है। एक तो ये बहुत ज़्यादा उदासी होती है और दूसरा ये लगातार रहती है, और किसी भी खुश करने वाली चीज़ से इस उदासी में कमी वाकया नहीं होती। हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैंने MBBS अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया था, उसके बाद साइकाइट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन सर गंगाराम हॉस्पिटल से की थी। अभी मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रही हूँ और DHA फेज 8 में अपना प्राइवेट क्लिनिक रन कर रही हूँ। मुझे इस फील्ड में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का अरसा हो चुका है और मेरे मेन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट डिप्रेशन, एंगजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज, OCD, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर, एडल्ट ADHD हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन साइकाइट्रिक डिसऑर्डर के बारे में, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन नफसियाती मसला है और देखा गया है कि ख़वातीन में ये मर्दों के मुकाबले में दुगना पाया जाता है। अगर देखा जाए तो हर 100 में से 4 से 5 मर्द डिप्रेशन का शिकार होते हैं और 8 से 10 ख़वातीन इसका शिकार होती हैं। अब बात करेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन की क्या अलामत होती हैं। तो डिप्रेशन में सबसे पहले उदासी होती है। अब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें इंसान उदास होता है, जैसे अगर एग्ज़ाम में फेल हो गया तो इंसान उदास हो जाता है, ब्रेकअप हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, जॉब ख़त्म हो गई, तो ये सब वजह भी बन सकती हैं उदासी की। लेकिन डिप्रेशन की उदासी नॉर्मल उदासी से डिफरेंट होती है। एक तो ये बहुत ज़्यादा उदासी होती है और दूसरा ये लगातार रहती है, और किसी भी खुश करने वाली चीज़ से इस उदासी में कमी वाकया नहीं होती। नॉर्मल उदासी में अगर कोई ऐसी चीज़ की जाए जिससे बंदा खुश हो सके, जैसे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट पे चले जाएं या कोई मूवी देख लें, तो उदासी में कमी वाकया हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन की उदासी किसी भी वजह से कम नहीं होती। डिप्रेशन की दूसरी अलामत है किसी काम में दिल नहीं लगता। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, अगर जॉब कर रहे हैं तो कामकाज में दिल नहीं लगेगा, हाउसवाइफ हैं तो घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, और वो चीज़ें जो पहले इंजॉयबल लगती थी, जिनमें काम करके खुशी महसूस होती थी, दिलचस्पी होती थी, उनमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। जैसे फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलना अच्छा लगता था, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना अच्छा लगता था, खाना पीना अच्छा लगता था, या फिर मूवी देखना अच्छा लगता था, अब इन सब कामों में भी कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती। और इसकी तीसरी मेन अलामत है कि हर वक्त बंदा थका थका रहता है, एक्सट्रीम टायर्डनेस होती है, फैटीग्ड रहता है, थोड़ा सा काम करना भी बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। तो ये इसकी तीन मेन अलामत हैं। इसके साथ साथ इसकी कुछ एसोसिएटेड अलामत होती हैं, जैसे भूख का कम लगना या ज़्यादा लगना, नींद इफ़ेक्ट होती है, नींद कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहती, किसी चीज़ में ध्यान नहीं रहता, और जब ध्यान नहीं रहता तो चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता, अपने बारे में बड़ी नेगेटिव फीलिंग आती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक फेलियर हूँ, फ्यूचर में भी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, लोगों के बारे में अपने आप को लेकर नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं कि लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, लोग मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, अपना आप वर्थलेस फील होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं डिप्रेशन में आपकी आँखों के आगे एक काला पर्दा आ जाता है और आपको हर चीज़ मनफी दिखाई देती है। इसके साथ साथ जब ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ज़िंदगी रहने के काबिल नहीं लगती और अपने आप को नुकसान पहुंचाने या ख़ुदकुशी करने के ख्याल आ सकते हैं। ये सब अलामत कम से कम 2 हफ्ते रहनी चाहिए और लगातार रहनी चाहिए, तो तब इसे डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। अब डिप्रेशन की वजूहात पर बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है। देखा गया है कि हमारे जहन में कुछ मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स होते हैं, जिसमें 3 मेन केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामीन। डिप्रेशन में इन सब केमिकल्स की ब्रेन में कमी हो जाती है। अब ये कमी किस वजह से होती है? अगर इंसान की लाइफ में कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो रहे हैं, उसका चाइल्डहुड डिफ़िकल्ट गुजरा है, तो उस वजह से ये केमिकल दिमाग में कम हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी मेन कॉज जेनेटिक एलिमेंट भी हो सकता है। अगर पेरेंट्स में या बहन भाइयों में किसी को डिप्रेशन है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी डिप्रेशन हो सकता है। अब कुछ बात करेंगे डिप्रेशन के इलाज पे। डिप्रेशन का इलाज 2 तरह से करवाया जाता है। एक तो साइकोथेरेपी की जाती है, यानी बातचीत से इलाज किया जाता है, और दूसरा डिप्रेशन की दवाइयाँ दी जाती हैं। अब ये एक माहिर इमराज नफ्सियात ने डिसाइड करना होता है कि डिप्रेशन किस नौयत का है, माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है, और इसे किस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डिप्रेशन की दवाइयों के बारे में बहुत सारी मिथ्स मशहूर हैं। एक तो कहा जाता है कि ये शायद सारी ज़िंदगी लेनी पड़ती हैं, इनकी आदत हो जाती है, इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं,
हैं, तो ये सब बिल्कुल मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, बेबुनियाद बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। डिप्रेशन की दवाइयाँ सारी ज़िंदगी नहीं लेनी पड़ती। फॉर फर्स्ट एपिसोड ऑफ डिप्रेशन दवाई तकरीबन 6 से 9 महीने तक लेनी पड़ सकती है। ये दवाइयाँ बहुत सेफ़ होती हैं, इनके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, सवाए इसके कि शुरू में लेने से मैदे के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, अदरवाइज़ इनके कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये भी कहा जाता है कि डिप्रेशन की दवाइयाँ सुलाए रखती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू में डिप्रेशन में क्योंकि नींद की कमी वाकई होती है, तो साथ में कुछ दवाइयाँ नींद की दी जा सकती हैं, लेकिन ये 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं दी जाती और आहिस्ता आहिस्ता इनको कम करके ख़त्म कर दिया जाता है। डिप्रेशन के अद्वियात आपको बिल्कुल भी सुलाए नहीं रखती। जैसे पहले बात की, ये वही दवाइयाँ होती हैं जो आपके ब्रेन में उन केमिकल्स की मिकदार को बढ़ाती हैं जिनके कम होने से डिप्रेशन हुआ था। अब अगर डिप्रेशन का इलाज ना करवाया जाए तो क्या होता है? डिप्रेशन उतनी ही रियल इलनेस है जैसे किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, किसी को डायबिटीज़ की बीमारी हो गई, और अगर इन फिज़िकल इलनेसेस का इलाज ना करवाया जाए तो ये कॉम्प्लिकेट होती हैं, ये शदीद नौयत इख्तियार कर लेती हैं। इसी तरह अगर डिप्रेशन का इलाज ना कराया जाए तो ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है, और देखा गया है कि 15% लोग जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनमें से 15% लोग ख़ुदकुशी की तरफ जा सकते हैं, अपनी जान ले सकते हैं। और इसके अलावा दुनिया में डिज़ीज़ बर्डन में इस टाइम टॉप पे डिप्रेशन है। अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो अपने जो काम काज कर रहा है, डेली रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, वो सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट होती हैं, उसका सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन होता है। इसलिए डिप्रेशन का इलाज बहुत ज़रूरी है। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन कोई मज़हब से दूरी की वजह से नहीं होता, ये कोई किरदार की वीकनेस नहीं है, ये एक रियल इलनेस है और ये दिमाग में कुछ केमिकल्स की कमी की वजह से होती है। अगर आप में से आप किसी को डिप्रेशन है, आपके या आपके जानने वालों को किसी को डिप्रेशन है, तो प्लीज़ इसको छुपाएं मत, शर्माएं मत, क्योंकि ये एक इलनेस है और बीमारियों का इलाज किया जाता है। टाइमली किसी माहिर इमराज नफ्सियात से कंसल्ट करें ताकि इसको बेहतर किया जा सके। और डिप्रेशन 100% ट्रीटेबल इशू है, अगर इसका इलाज शुरू करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आपको मेरे से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या फिज़िकल अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप marham.pk से बुक कर सकते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।